हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल बुकिंग के बारे में। उसमें हम रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट हमारे ब्रांच ऑफिस में बुक कर सकते हैं। इसमें तीनों आर्टिकल बुकिंग करने की प्रोसेस सेम है। इसमें हम कोई भी एक कैटेगरी का आर्टिकल आपको बुक करके दिखाएंगे। उसके बाद जो आर्टिकल बुक किया है उस आर्टिकल को बैग में क्लोज करते समय कैसे चढ़ा के भेजना है वो जानेंगे। आर्टिकल बुकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा मेल ऑपरेशन में। मेल ऑपरेशन में आने के बाद हमें सबसे ऊपर पहला ही ऑप्शन दिखाई देता है बुकिंग का। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्टर लेटर, पार्सल एंड स्पीड पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको सिलेक्ट एंड आर्टिकल टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्टर लेटर, रजिस्टर पार्सल एंड स्पीड पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें से आपको जो भी आर्टिकल बुकिंग करना है आप उसे सिलेक्ट कीजिए। मैं स्पीड पोस्ट बुक करना चाहता हूँ तो उस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद सबसे पहले आपको आर्टिकल का बारकोड स्कैन करना है। अगर आप स्पीड पोस्ट बुक करना चाहते हैं तो स्पीड का आर्टिकल स्कैन कर लीजिए। अगर रजिस्टर या रजिस्टर पार्सल का आर्टिकल बुक करना चाहते हैं तो आपको वो आर्टिकल का बारकोड स्कैन करना होगा। यहाँ पे आप बारकोड का नंबर मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑप्शन आएगा वेट का। यहाँ पे हमें जो भी आर्टिकल का वेट है उसे यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद प्रीपेड अमाउंट में अगर आपके आर्टिकल को कोई भी अमाउंट का स्टैम्प लगाया है तो आप उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज अगर आपका डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व है तो आप यहाँ पे 5 रुपये डालेंगे तो आपके स्पीड पोस्ट की जो भी अमाउंट आएगी उसमें से 5 रुपये माइनस होके आएगी। अगर आपके आर्टिकल बुकिंग की वैल्यू अमाउंट जितनी भी आ रही है उतनी भी आप यहाँ पे स्टैम्प लगा कर प्रीपेड अमाउंट में उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। बाद में आपके आर्टिकल बुकिंग की अमाउंट 0 आएंगी क्योंकि प्रीपेड अमाउंट में आपने उतनी वैल्यू डाल दी। मेरे पास किसी भी अमाउंट का स्टैम्प लगाया नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा 0। उसके बाद आपको नीचे POD का और इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। POD का मतलब है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आर्टिकल में इसके 10 रुपये बढ़ जाएंगे। अगर आप इसे इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आप इसे इंश्योरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है तो आप बाजू में कहीं भी क्लिक कर लीजिए और उसके बाद पेमेंट मोड का ऑप्शन आएगा। तो आपको पेमेंट मोड में आप जिस तरह का पेमेंट लेना चाहते हैं कस्टमर से वो ले सकते हैं। अगर कैश है तो कैश में, अगर डिजिटल है तो डिजिटल में भी हम ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको सेंडर डिटेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेंडर का मोबाइल नंबर डालना है, उसके नीचे आपको नेम डालना है और उसके नीचे आपको उसका एड्रेस डालना है। और उसके बाद आता है पिन कोड का ऑप्शन। यहाँ पे आप जैसे ही कुछ डिजिट डालोगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन उस ऑफिस का पूरा पिन कोड दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है। आप उसे मैनुअली नहीं रख सकते, उस पर सिलेक्ट करके आपको जो भी सिस्टम बताएगी आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ही सिटी एंड स्टेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ईमेल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो आप वैसे भी रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एड्रेस डिटेल का, यानी कि जिसे भी आर्टिकल भेजना चाह रहे हैं उसका। यहाँ पे सबसे ऊपर आता है मोबाइल नंबर, उसके बाद आता है नेम एंड एड्रेस और उसके नीचे आता है पिन कोड। जैसे आपने सेंडर का एड्रेस डाला था वैसे भी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पर भी आप पिन कोड के जैसे ही कुछ डिजिट डालोगे आपको उस ऑफिस का पिन कोड पूरा दिखाई देगा। आपको उसे सिलेक्ट करना है। आप जैसे सिलेक्ट करोगे आपके सामने सिटी एंड स्टेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक शो होगा। सेंडर एंड एड्रेस की पूरी डिटेल डालने के बाद आपको नीचे बुक आर्टिकल ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाजू में ही आपको आर्टिकल की अमाउंट दिखाई देगी। आपने जो भी आर्टिकल बुक किया है उसकी अमाउंट अगर बराबर है तो आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर सब डिटेल सही है तो आपको करना है बुक आर्टिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक। आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे आपके सामने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको शो होगी। सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको आर्टिकल बुकिंग के लिए बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे आपका आर्टिकल बुक हो जाएगा। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रिंट, ओके एंड सेंड SMS का। आप सेंड SMS पे क्लिक करके जो भी आपने मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर आर्टिकल बुकिंग का SMS सेंडर एंड एड्रेस को तुरंत चला जाएगा। इस रिसिप्ट की प्रिंट निकाल के आप कस्टमर को दे सकते हैं।
उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। यह हमारे आर्टिकल बुकिंग की प्रोसेस पूरी हो गई है। इसके बाद हम जानेंगे कि इस आर्टिकल को बैग क्लोज करते समय आर्टिकल को कैसे चढ़ा के उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे वैलेट में जो हमने आर्टिकल बुक किया इसकी अमाउंट कहाँ आती है। आपको यहाँ पे करना है कैश डिटेल पे क्लिक। आप यहाँ पे आर्टिकल बुकिंग और सारे कैश की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बैग क्लोज करने के लिए हमें जाना होगा मेल ऑपरेशन में। मेल ऑपरेशन में आने के बाद हमें सबसे पहले बैगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आना है बैग क्लोज वाले ऑप्शन में और यहाँ पे हमें जो भी हमारा बैग लेबल है उसे करना है स्कैन। आप इसे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। बारकोड के नीचे जो भी नंबर दिखाई देगा आप उसे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। ये हमारा बारकोड स्कैन हो गया है। उसके बाद हमें करना है यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक। उसके बाद जो आपने आर्टिकल बुक किया है वो आर्टिकल आपको यहाँ पे शो होगा और इसमें जो भी आर्टिकल रिटर्न वाले है वो भी आर्टिकल इसी तरह से हमें यहाँ पे शो होगे। वो सारे आर्टिकल को ऐसे ही हमें स्कैन करना है या मैनुअली भी एंटर करना है। मैनुअली एंटर करोगे तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैक क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही बैक क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी बैच सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगी। आप नीचे देख सकते हैं सक्सेसफुली क्लोज बैग नंबर दिख रहा है। ये आपकी बैग सक्सेसफुली क्लोज हो गई है। इसके बाद हमें बैग डिस्पैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें स्केड्यूल टाइम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बैग नंबर शो होगा और उसके बाजू में आपको आर्टिकल्स दिखाई देगा। यहाँ पे आर्टिकल वन ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पे डिस्पैच पे क्लिक करना है। वन हैज़ बीन डिस्पैच। तो फ्रेंड्स इस तरह आप आर्टिकल बुकिंग की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके बैग में डिस्पैच कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।